हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, एनवीएस, केवीएस, डीडब्ल्यूएसवी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य शरीर में यूरिया उत्सर्जी पदार्थ की तरह उत्पादित होता है, क्या उत्पादित होता है, कहां पे उत्पादित होता है, यह पूछा गया। वृक्क में उत्पादित होता है, यकृत, मूत्राशय या फिर मलाशय से रिलेट कर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, यकृत के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अर्निथिन चक्र में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है, कौन से एंजाइम के द्वारा इसमें परिवर्तन होता है, फ्यूमरेज के द्वारा होता है, अर्जिनेज के द्वारा होता है, एक्विनोटेज के द्वारा हो या फिर अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिडेज के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको अटेम्प्ट करके बताना कि कौन सा उत्तर यहां पे राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्जनेज के द्वारा रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निस्यंदन किस भाग में होता है, जो निस्यंदन है यह कौन से भाग से रिलेट करता है, कोशिका गुच्छा से रिलेट करता है, बोमेन संपुट से रिलेट करता है, मैल्पिगी कड़िका से रिलेट करता है या फिर संग्रही नलिका से रिलेटेड है। निस्यंदन की अगर बात की जाए तो क्या बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या राइट आंसर होगा। और इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आप वहां से देखना चाहते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं। राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 सितंबर को एग्जाम होना है, जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 700 रुपीज का। उसमें राजस्थान पीटीआई के लिए आपको थोड़ा सा कंसेशंस मिल जाएगा, क्योंकि 25 सितंबर को एग्जाम होना है और जुलाई आपका कंप्लीट होने वाला है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अपना रिवीजन करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं, वहां पे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट आंसर यहां पे हो जाता है आपका संग्रही नलिका, डी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, बोमेन संपुट भाग है किसका भाग है, वक्र निवाहिका सिरा का भाग है, मूत्र वाहिनी का भाग है, मूत्रजन नलिका या फिर वृक्क धमनी का भाग है। बात की गई है वोमेन संपुट की, तो आंसर यहां पे कौन सा ऑप्शन रिलेट करता है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन जो है आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो सी ऑप्शन यहां पे क्या होगा, मूत्रजन नलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अर्निथिन चक्र होता है, जो अर्निथिन चक्र होता है यह किसमें होता है, हृदय में होता है, वृक्क में होता है, यकृत में होता है या फिर पेशियों में होता है। बताना है आपको अर्निथिन चक्र कहां पे होता है, यह किससे रिलेटेड है, कौन सा आंसर सही होगा। कंटिन्यूटी जितने भी लोग बनाए रखे हुए हैं उनका स्कोर ऑलरेडी बढ़ रहा होगा। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। यकृत में होता है, बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य में जल का सर्वाधिक अवशोषण किस भाग में होता है, जो जल का अवशोषण होता है सबसे ज्यादा मनुष्य में किस भाग में होता है, त्वचा, आंत, फेफड़े, एक डी ऑप्शन है गुर्दे। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, आंसर अटेम्प्ट करना है आपको कि कौन सा उत्तर इसमें सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और आप लोग राजस्थान पीटीआई के लिए अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतने दिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो अब प्रिपरेशन करिए, क्योंकि वहां पे आपका माइनस मार्किंग भी होना, और माइनस मार्किंग जिस भी एग्जाम में होता है
उसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले चार ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना होता, अगर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को स्किप करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, डी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, सेवंथ नंबर, यकृत में यूरिया निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यकृत में जो यूरिया का निर्माण होता है यह किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है, नाइट्रोजन चक्र द्वारा होता है, क्रैप चक्र द्वारा, या फिर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है। यकृत की अगर बात की जाए, लीवर की बात की जाए, यूरिया निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका कौन सा होगा? नाइट्रोजन चक्र आप लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग ग्लाइकोलाइसिस भी लगा रहे हैं। आंसर यहां पे जो ऑप्शन होना चाहिए ए ऑप्शन, ऑर्निथिन चक्र होता है इसका राइट आंसर, ए उत्तर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिजिकल एजुकेशन और राजस्थान जीएस से संबंधित चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, डेली मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एर्थ नंबर, वृक्क की कायिक इकाई क्या है? यानी अगर इसकी सूचतम इकाई पूछ लिया जाए, यह आपको बताना है। डेंड्रॉन आंसर होगा, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फिर एक्सॉन। बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होते हैं वहां पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टिक लगा दिया, नेफ्रॉन। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर होगा, बी उत्तर राइट आंसर होगा। ये 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जिसको 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चंस में विभाजित कर दिया जाएगा, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य का वृक किससे बनता है? तो ये किससे बनता है ये बताना है आपको। पोने फ्रॉम से बनता है, मिसोने फ्रॉम से बनता है, मेटाने फ्रॉम या फिर सभी से, बताइएगा। ये जो वृक की बात की जा रही, तो मनुष्य का जो वृक होता है ये किससे बनता है? आपका आंसर हो जाएगा यहां पे डी ऑप्शन, क्यों टिक लगा रहे हैं आप लोग? सी उत्तर इसका क्या होता है, सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 10th नंबर, वृक में द्रव्य को मूत्र की संज्ञा सर्वप्रथम कहां दी जाती है? हेनले के रूप में दी जाती है, बुमेन संपुट के रूप में दी जाती है, संग्रह नलिका में या फिर मूत्राशय में, बताइएगा। तो यहां पे जो इसका आंसर होना चाहिए आपका, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर है, ध्यान रखिएगा, बुमेन संपुट भी बहुत से स्टूडेंट टिक लगा रहे हैं। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका संग्रह नलिका से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, गुर्दे की पथरी को क्या क्यों होती है? जो गुर्दे की पथरी होती है ये कैसे हो जाती है, क्यों होती है, इसका रीजन आपको कंफर्म करके बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वसा के कारण गुर्दे में अवरोध के कारण होती है, पेल्विस में ऑक्सलेट क्रिस्टल व अन्य लवणों का जमाव के कारण होती है, गुर्दे में प्रोटीन का जमाव या फिर गुर्दे में रेत का जमाव। क्वेश्चन नंबर 11th को टिक करना है आपको, आंसर यहां पे क्या हो जाता है? आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, देखिएगा। और यूपी टीजीटी में एक क्वेश्चन 125 का पूछा जाएगा, चार नंबर का होगा, टोटल पूर्णांक आपका 500 का बनेगा। और ध्यान रखिएगा, आपका 130 क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन से राजस्थान पीटीआई में 260 क्वेश्चंस मार्क्स के बनेंगे, जबकि 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो इसलिए मेहनत आपको किसके अकॉर्डिंग करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। बस रिवीजन आप लोग करिएगा, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, तभी जाके आप अपना सिलेक्शन लिस्ट में नाम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11th बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 12th, रुधिर की संरचना का समन्वयन किसके द्वारा होता है? इसकी जो रचना है इसका समन्वयन किसके द्वारा होता है? होमियोस्टैसिस के द्वारा होता है, रुधिर का छनना के द्वारा होता है, रुधिर रेगुलेशन या फिर रुधिर स्कंदन, बताइए। 12th का आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुधिर की संरचना का समन्वयन किसके द्वारा होता है यह पूछा गया है। आंसर यहां पे हो जाएगा होमियोस्टेसिस के द्वारा होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही हो जाएगा।
और इसके पहले के वीडियोस भी देखिए, और साथ में प्रैक्टिस सेट्स आप लोग अवश्य लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और साथ में आपको पता चलता है कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है। आज भी आपको पेड ग्रुप में एक प्रैक्टिस सेट 125 क्वेश्चंस का प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कंप्लीट किया जा रहा है 125 क्वेश्चंस का। 13 नंबर है, ग्लोमेरुलस किससे बनता है, ये किससे बनता है, वृक्कीय सिरा से बनता है, वृक्कीय धमनियां जो होती हैं उससे बनता है, वृक्क निवाहिका उपतंत्र या फिर यकृत निवाहिका उपतंत्र से बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 को टिक लगाना है आपको कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोमेरुलस किससे बनता है, तो ये वृक्कीय धमनियां जो होती हैं इससे बनता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 14, ग्रीन ग्रंथियां किसके उत्सर्जी अंग हैं, तुरंत आंसर लगाना है आपको, बिच्छू, झींगा मछली, सलभ या फिर मकड़ी, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से अपना आंसर अटेम्प्ट करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, सही उत्तर क्या होगा। राजस्थान पीटीआई का बैच वर्तमान समय में रन हो रहा है, जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वहां पे कंटिन्यूटी बनाए रखना, तैयारी करना चाहते हैं आप लोग वहां पे जुड़ सकते हैं। वीडियोस का लिंक आपको 15 अगस्त के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियोस बनाया जा रहा है वहां पे, कंप्लीट किए जा रहे हैं, उसके बाद सुपर फास्ट वीडियो जैसे आपको यूपी टीजीटी में प्रोवाइड किया गया था, ग्रुप में लिंक दिया गया था, उसी तरीके से आपको राजस्थान पीटीआई में भी जो टेस्ट जल्दी चलता है, जो सीरीज कंप्लीट होती है, उसी का वीडियोस आपका कम समय में 200 क्वेश्चंस एक साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से या फिर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ग्रुप के अंदर राजस्थान पीटीआई पेपर वन से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ वीडियोस कंप्लीट भी कर लिए गए हैं, उनका लिंक आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होता है, ग्रीन ग्रंथियों की बात की गई थी, झींगा मछली से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भूखे व्यक्ति के मूत्र में क्या उत्सर्जी पदार्थ होगा, क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन होगा, सोडियम क्लोराइड, यूरिया या फिर फास्फेट। भूखे व्यक्ति की बात की गई तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाता है। नेक्स्ट है, नेफ्रान का संबंध किससे है, अभी आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो 16th को आपको अटेम्प्ट करना है। परिवहन तंत्र से संबंधित है, आवरणीय तंत्र से रिलेटेड है, श्वसन तंत्र या फिर डी ऑप्शन है उत्सर्जी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, नेफ्रान का संबंध आपको बताना है किससे रिलेटेड है, उत्सर्जी तंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 17, टोटल इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मानवीय वृक्क की कार्यकारी इकाई है, रिपीटेड क्वेश्चन, नेफ्रॉन क्या होता है इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 18th, वृक्क द्वारा सर्वाधिक हार्मोन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, इरिथ्रोपोइटिन या फिर एल्डोस्टेरोन, देखिएगा 18th का आंसर यहां पे क्या होना चाहिए। वृक्क द्वारा सर्वाधिक हार्मोन कौन सा उत्सर्जित होता है, इरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा क्या, ये भी रिपीटेड है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आप लोग राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 का फॉर्म भी फिलअप कर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं सभी लोग उस फॉर्म को भी फिलअप करिएगा। स्किन की दूसरी व निचली परत को क्या कहते हैं, जो स्किन की दूसरी व निचली परत है उसको क्या बोलते हैं, रैमीडर्मिस बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, डर्मिस या फिर मायोकार्डियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट होगा, स्किन की दूसरी व निचली परत को क्या बोलते हैं, आंसर यहां पे कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा, डर्मिस के साथ में रिलेट करता है, सी उत्तर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य में वक्र में क्या विद्यमान है, जो मनुष्य का वक्र है इसमें क्या विद्यमान है, कार्टिक्स में ग्लोमेरुलाई विद्यमान है, पच्छाभिकीय नेफ्रॉन्स या फिर मीजोनेफ्रिक नलिका या फिर हेनले लूप,
क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट करिएगा आंसर इसका कौन सा राइट होता है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर आपका ए हो जाता है, कार्टिक्स में ग्लोमेरुलाइक से रिलेट करता है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस वेवर परीक्षण निम्न हेतु उपयोग में लाया जाता है, किसके उपयोग में लाया जाता है। बाय द वे एक दो क्वेश्चंस का अगर आंसर आपका मिसमैच हो जाता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, वहां पे आपका सही करा दिया, क्योंकि एक साथ में बल्क में क्वेश्चंस होते हैं तो कहीं पे मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट आप लोग जो भी मार्केट से लेके आते हैं वहां भी आपको मिस्टेक्स मिलती है, बुक्स में भी मिस्टेक्स मिलती है। इसलिए आपको अगर क्वेश्चंस लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है तो आप लोग उसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ में अपना आंसर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621819209 पर स्क्रीनशॉट के सहित भेज सकते हैं और वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। बस आंसर मिलने में टाइम लग सकता है, बस वो आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में जो पीडीएफ्स हैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी हैं, न्यू स्टूडेंट्स को पीडीएफ्स अवेलेबल की जाएंगी, और साथ साथ में जो डेली मॉक टेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड बीच बीच में प्रोवाइड किया था वो सारी सुविधाएं आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, इसको एक बार रीड करिएगा। मेरुदंड का दाहिने या बाईं ओर का झुकाव कहलाता है, क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस कहलाता है, स्पाइरो बैक कहलाता है, हॉलो बैक कहलाता है, फिर हॉल्टस कहलाता है। राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि उत्तर यहां पे कौन सा सही हो जाता है, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन टिक लगाए हुए हैं ए स्कोलियोसिस, उन सभी स्टूडेंट्स का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं? कौन से मानक सोपान होते हैं? वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता या फिर डी ऑप्शन है, ये सारे होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 23 पर, ऑप्शन हो जाता है वैधता भी राइट आंसर है, विश्वसनीयता भी है, वस्तुनिष्ठता भी, यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेटेड है, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जेसीआर परीक्षण में निम्न में से किसका समावेश है? निम्न में से किसका समावेश है? यह देखिएगा, वर्टिकल जंप का समावेश है, चिन अप का समावेश है, सटल रन या फिर ये सभी जो दिए हुए इन सभी का समावेश है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तुरंत आंसर लगाया है डी ऑप्शन, कुछ का आया वर्टिकल जंप, चिन अप, सटल रन, ध्यान रखिएगा डी उत्तर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिस्टिक टेस्ट का प्रयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है, किसके मापन हेतु बालिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? सहनशीलता, संतुलन, लचीलापन, डी ऑप्शन है शक्ति। बताना है आपको इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल सही आंसर आपका आना चाहिए, पी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका लचीलापन से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 26 है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है, किसके मापन हेतु हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा क्या? सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में विभिन्न परीक्षण है, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। शारीरिक क्षमता परीक्षण, गामक क्षमता परीक्षण, खेल कौशल परीक्षण या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइएगा आंसर यहां पे कौन सा सही हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए, डी ऑप्शन के साथ में अटेम्प्ट होगा क्या? डी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, अच्छे परीक्षण के लक्षण हैं
कौन से अच्छे परीक्षण के लक्षण? विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, या फिर डी ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, क्या उपरोक्त सभी से संबंधित होगा? राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल देखिएगा क्या आंसर हो सकता है। विश्वसनीयता तो रिलेट करता है, आप लोग को भी पता होगा कि वैधता भी संबंधित है, वस्तुनिष्ठता भी, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। यूपी टीजीटी में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है। जो केबल टेंशन परीक्षण है इसका उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? लचीलापन के मापन हेतु किया जाता है, सहनशीलता, फूर्ति या फिर ताकत के मापन हेतु किया जाता है। केबल टेंशन की बात की जा रही तो आंसर आपका यहां पे कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका होना चाहिए कौन सा, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन, बताइए। 29 ताकत हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनियोमीटर का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है, किसके मापन हेतु किया जाता है? लचीलापन जो होता है इसके मापन हेतु किया जाता है, सहनशीलता जो है इसके मापन हेतु किया जाता है, फुर्ती या फिर चर्बी के मापन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। और 60 क्वेश्चंस में से आप लोग स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। टोटल 125 का ये प्रैक्टिस सेट है, 125 में से आपको 2 से 3 पार्ट्स में वीडियो अवेलेबल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर यहां पे हो जाता है आपका ए ऑप्शन, लचीलापन हो जाएगा क्या, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? एरोबिक क्षमता विकसित होती है, एन एरोबिक क्षमता विकसित होती है, ताकत क्षमता या फिर लचीलापन, बताना है आपको। जो ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर गलत आ रहा है, लचीलापन क्यों टिक लगा रहे हैं, देखिएगा आंसर कौन सा हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन होगा। आंसर कौन सा होगा यहां पे, अभी भी लचीलापन आपका आंसर आ रहा है, एरोबिक क्षमता हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कौन सी समस्याओं का इसमें सामना करना पड़ता है आपका? ऊष्मा थकान समस्या आती है, ऊष्मा आघात दोनों, या फिर ठंड लगना। तो इसमें जो गर्म वातावरण की बात की जाए तो इसमें आपका ऊष्मा थकान और ऊष्मा आघात यानी दोनों से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा आघात के क्या कारण होते हैं? जो ऊष्मा आघात है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पूरे शरीर में गर्मी महसूस होना, मांसपेशियों में ऐठन, सिर व वक्ष में दर्द, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ऊष्मा आघात सबसे पहला ऑप्शन आपने टिक लगा दिया है, पूरे शरीर में गर्मी महसूस होना, ए ऑप्शन इसका सही है। साथ में आपका मांसपेशियों में ऐठन भी राइट आंसर है, सिर व वक्ष में दर्द भी रिलेट करेगा, यानी डी ऑप्शन ऊष्मा आघात से रिलेट करता है, डी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है? क्या गलत प्रभाव पड़ेगा ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर? मांसपेशीय तनाव व संकुचन की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है मांसपेशी का सख्त होना तथा क्षतिपूर्ति में देरी। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लाइकोजन का संग्रह कम होना, या फिर डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी, देखिएगा उत्तर कौन सा होता है। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं पेड ग्रुप से जुड़कर डेली मॉक टेस्ट क्विज प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कर प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से जुड़कर अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं और कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका एक तो एग्जाम की डेट क्लियर है और साथ में आपके सामने वैकेंसीज है, यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई,
राजस्थान का ग्रेड सेकंड और साथ में एक वैकेंसी नवोदय विद्यालय संगठन की दी हुई है। इन चार भर्तियों में अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर यहां पे हो जाता है उपरोक्त सभी के साथ में, डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 35 पे, भार कम करने वाले ड्रग्स किसे कहते हैं? जो भार कम करने वाले ड्रग्स हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरोटिक्स बोलते हैं, एर्गोजेनिक एंडेंस बोलते हैं, डाइटिंग या फिर टिम्पसोला। जो भार कम करने वाला ड्रग्स है उसको क्या बोलेंगे? आपका डायोटिक्स हो जाएगा क्या? इसका आंसर ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है ए, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, डोपिंग के अंतर्गत ईपीओ का क्या तात्पर्य है? जो डोपिंग है इसके अंतर्गत जो ईपीओ है इसका क्या तात्पर्य होता है? डर्थोटोपिंग, अरिथ्रोपाइटिन, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए, अरिथ्रोपाइटिन इसका क्या होता है? सही आंसर होता है बी, उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आईओसी ने डोपिंग को कितनी श्रेणी में बांटा है? इसको कितनी श्रेणी में डिवाइड किया गया है? 4, 3, 6 या फिर 8 श्रेणी में इसको बांटा गया है। तो आईओसी का फुल फॉर्म आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। राइट आंसर यहां पे हो जाता है आपका बी ऑप्शन, 3 से रिलेट करता है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया से क्या तात्पर्य है? जो हाइपोक्सिया है इससे क्या तात्पर्य है, इसका रीजन क्या होता है, यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ग्लूकोज की कमी, पानी की कमी हो जाती, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 60, आंसर आपको कमेंट करना हो, स्कोरिंग करके बताना है कि 60 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। 38 का होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ऊंचाई है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी तथा गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, हवा का प्रतिरोध कम होना, हवा की डेंसिटी कम होना, या फिर डी ऑप्शन है ये सभी, बताइएगा। ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी तथा गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना भी होगा, हवा का प्रतिरोध कम होना, हवा की डेंसिटी कम होना, यानी डी ऑप्शन होता है, उपरोक्त सभी से रिलेटेड है, डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होगा उसमें? इथाइल क्लोराइड होता है, अमोनिया होता है, सोडियम होता है, या फिर जो तीन ऑप्शन ऊपर दिए हुए इनमें से कुछ नहीं होता है, बताइए। खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है वो कौन सा होता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि स्प्रे एक क्रिकेट मैच में लेके आया जाता है, वो लगा दिया जाता है तुरंत, इथाइल क्लोराइड उसमें होता है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? जो गैसीय विनिमय होता है यह किस प्रकार से होता है? सामान्य प्रसरण द्वारा होता है, सक्रिय ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑस्मोसिस, बताना है आपको आंसर इसमें कौन सा सही होगा, और स्कोरिंग करना है कि 60 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए। यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, जिस भी बैच से आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन की उसमें जुड़ सकते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान पीटीआई और यूपी टीजीटी के दो अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी वहां पर जुड़ना चाहते हैं जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं, और साथ में अपना आकलन भी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से आपको तैयारी करना है कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सके। तो 41 आंसर यहां पे हो जाता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन इसका
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता क्या, कैसा हो जाता, संकुचित हो जाता है, विश्राम अवस्था में होता है, फैलता है, या फिर डी ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होता। निश्वसन के समय डायफ्राम कैसा होता, तो यह हो जाता है आपका संकुचित, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवातन का नियंत्रण होता है, जो संवातन है इसका नियंत्रण कहां होता है, सेरेब्रम में होता है, मैडुला ऑब्लॉगेटा, सेरेब्रम या फिर मेसेनफिलॉन। संवातन का नियंत्रण, तो यह होता है आपका आंसर बी, मेडुला ऑब्लॉगेटा बी ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर होता है बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, फुफ्फुस किसमें बंद रहते हैं, ये किसमें क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, यह बताना है। पेरिकार्डियम में बंद रहते हैं, पेरिटोनियम में बंद रहते हैं, प्यूरल कला या फिर मायोकार्डियम में। फुफ्फुस की बात की जाए तो ये प्यूरल कला जो होती है उसमें बिल्कुल बंद रहते हैं क्या, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा कौन सा उत्तर राइट हो जाता है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में आपके जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए उसमें वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। चाहे तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हरियाणा के रहने वाले हो, आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आपको टेस्ट फॉर्मेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती है। आंसर यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है सभी का प्यूरल कला, बिल्कुल आपका हो जाता है सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, निम्न में कौन सा रोग श्वसन तंत्र से संबंधित है किंतु संक्रमित नहीं होता, कौन सा इसमें श्वसन तंत्र से रिलेटेड है लेकिन यह संक्रमित नहीं होता, यह बताइएगा। ज्वर, टीबी, प्लूरसी, हाइड्रोथोरस, तो इसमें क्या होगा, निम्न में कौन सा रोग श्वसन तंत्र से संबंधित है किंतु संक्रमित नहीं होता है, तो यह कौन सा हो जाता है आपका, ज्वर होगा क्या, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 46, अवयवीय श्वसन में पेशियों में पाइरूविक अम्ल से बनता है, क्या बनता है, यहां पे लैक्टिक अम्ल बनता है, एल्कोहल बनता है, एसिटैल्डिहाइड बनता है या फिर एसिटाइल को एंजाइम बनता है। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन क्या होगा, पाइरूविक अम्ल से बनता है, ए उत्तर इसका आंसर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, जो गैसीय विनिमय होता है यह किसके द्वारा होता है, जो फेफड़े हैं इनकी कुपिकाओं में गैसीय विनिमय की अगर बात की जाए तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट, मंद ट्रांसपोर्ट, साधारण प्रसरण या फिर आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहां पे 47 का आंसर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है और साथ में आपको कई बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स में भी दिया गया है। तो साधारण प्रसरण क्या होगा इसका, सही आंसर होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मायोग्लोबिन कहां मिलता है, जो मायोग्लोबिन है ये कहां पर मिलता है, फेफड़े में मिलता है, यकृत में मिलता है, पेशी या फिर तिल्ली में मिलता है, तो मायोग्लोबिन की बात कर ली जाए तो ये आपका रिलेट करता है किससे, पेशी से रिलेट कर जाएगा या फिर आंसर हो जाएगा यहां पर तिल्ली, बताइए। 48 मायोग्लोबिन की बात की जा रही है तो आंसर हो जाता आपका पेशी से रिलेटेड है, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 49, अवायवीय श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अंदर ली जाती है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती, अवायवीय श्वसन किससे रिलेटेड है ये आपको बता देना है, क्या होना चाहिए आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर ली जाती है क्या या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड,
अवायवी की बात की जाए तो आपका आंसर हो जाता है डी। यहां पे सही आंसर डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। आप लोग स्कोरिंग करिएगा कि 60 में से कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं। क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले एंजाइम में सर्वप्रथम होता है क्या होता है? एकोनिटेज होता है, डीहाइड्रोजिनेज होता है, साइट्रेट सिंथेटेज होता है, या फिर डी कार्बोक्सिलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आंसर आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा उत्तर राइट आंसर होता है 50 में। तो साइट्रेट सिंथेटेज होता है क्या, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? जो रक्त वाहिनी होती है इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, या फिर यहां पे डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपको बताना है। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है इसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोलते हैं या फिर पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। आपके स्क्रीन पर दो ऑप्शन है, चार में से आपके दो डिलीटेड, बताइएगा यहां पे क्या होगा। पल्मोनरी आर्टरी से रिलेट करता है, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको हृदय का जो बाहरी परत हो इसको क्या बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका एपिकार्डियम बोलते हैं। आंतरिक परत को बता दीजिएगा क्या बोला जाता है कमेंट करके। हृदय यानी रक्त वाहिनी एवं लिम्फेटिक से मिलकर कौन सा तंत्र बना है? तो इससे मिलकर कौन सा तंत्र बना है? आपका पाचन तंत्र बना हुआ है, श्वसन तंत्र बना है, रक्त परिसंचरण तंत्र, या फिर डी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र। 53 में आंसर यहां पे हो जाता है आपका कौन सा, देखिएगा उत्तर कौन सा रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन होगा क्या या फिर सी ऑप्शन होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होते हैं? जो रक्त है इसको ऑक्सीजन कहां से मिलता है? हृदय से मिलता है, रक्त में मिलता है, या फिर फेफड़ों से मिलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑक्सीजन मिलता है आपका फेफड़ों से रिलेट कर जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? 6 से 8 लीटर रक्त होता है, 5 से 7 लीटर रक्त होता है, 4 से 5 लीटर, या फिर 7 से 8 लीटर। आंसर आया है मैक्सिमम का 7 से 8, आंसर हो जाएगा 4 से 5, सी उत्तर, सी उत्तर गलत होगा। ध्यान रखिएगा यहां पे 4 से 5 नहीं होगा, 5 से 7 लीटर, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रक्त क्या है? कोशिका, पानी, या फिर उत्तक? तो रक्त कैसा उत्तक है? एक संयोजी उत्तक है, तो उत्तक से रिलेट करेगा, टिश्यू से रिलेट कर जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, या फिर कैल्शियम? तो रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है ये हो जाता है आपका कैल्शियम। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंटेज में पाया जाता है? तो ये 40 से 50%, 60 से 70%, 55 से 60, या फिर 80 से 90%। रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है आपका कितने परसेंट? 55 से 60%, सी उत्तर क्या हो जाता है? सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? साइनोवियल पदार्थ होता है, प्लूरा होता है, एंडोलिकफ होता है, सेरस पदार्थ होता है, बताइएगा। साइनोवियल पदार्थ हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर? बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, सेरस पदार्थ से हो जाएगा राइट आंसर। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है? सुपीरियर वेना कोवा होता है, पल्मोनरी वेन होता है, सी ऑप्शन है इंफीरियर वेना कोवा, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपको कमेंट करके बताना है कि 60 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया, और साथ में जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या किसी अन्य के माध्यम से 9621819209 पर 700 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो नया वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।